हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा रेडमी नोट 13 प्रो प्लस 5G फ़ोन है, तो रेडमी नोट 13 प्रो प्लस 5G फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन में ऑप्शंस आता है कि कैसे आप सिस्टम्स की ऑल सेटिंग्स वगैरह को रीसेट कैसे कर सकते हैं रेडमी नोट 13 प्रो प्लस 5G फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर, और सिस्टम ऑल सेटिंग्स को आप रीसेट कैसे कर पाएंगे रेडमी फ़ोन में, तो आज हम बताने वाले हैं कि सिस्टम ऑल सेटिंग्स को आप रीसेट कैसे कर सकते हैं और कैसे अपने फ़ोन की सिस्टम ऑल सेटिंग्स को रीसेट कर पाएंगे, तो बताने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि फ़ोन के आइकन्स हैं, शो हो रहे हैं, तो आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही ऑल आइकन्स ओपन हो जाएंगे। सिंपली सेटिंग्स पे जाना और क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स ओपन हो जाएगी। तो जो हमारे फ़ोन में ऑप्शंस आता है कि सिस्टम ऑल सेटिंग्स को आप रीसेट कैसे कर सकते हैं और सिस्टम्स की ऑल सेटिंग्स को रीसेट कैसे कर पाएंगे, तो सिंपली आपको जाना होगा अबाउट फ़ोन पे। अबाउट फ़ोन पे जाते ही फैक्ट्री रीसेट पे चले जाना है। और आप फ़ोन की सिस्टम्स की ऑल सेटिंग्स को रीसेट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं इस ऑप्शन के ज़रिए। जैसे अगर आप फ़ोन को रीसेट करते हैं, यहाँ से फैक्ट्री रीसेट करते हैं, तो जो भी आपका फ़ोन है रीसेट हो जाएगा और साथ में सिस्टम ऑल सेटिंग्स वगैरह भी आपके फ़ोन में रीसेट हो जाएगी, और जो भी आपकी फ़ोन की सेटिंग्स वगैरह या सिस्टम सेटिंग्स है आपके फ़ोन में रीसेट हो जाएगी और आपका जो डाटा है लॉस मतलब लॉस हो जाएगा और सिस्टम सेटिंग्स भी रीसेट हो जाएगी। अगर आप बिना डाटा लॉस के फ़ोन की सिस्टम सेटिंग्स को रीसेट करना चाहें तो कर पाएंगे। सिंपली इस पर जाकर भी अपने फ़ोन के डाटा को कंप्यूटर डिवाइस के लिए बैकअप कर सकते हैं और बैकअप करके सिस्टम्स की ऑल सेटिंग्स को भी रीसेट कर सकते हैं, जिससे आपके फ़ोन का डाटा लॉस नहीं होगा और सिस्टम सेटिंग्स भी आपके फ़ोन में रीसेट हो जाएगी इस तरीके से। और आप मोबाइल डिवाइस का यूज़ भी कर सकते हैं, जिससे मोबाइल डिवाइस के डाटा को बैकअप कर सकते हैं, जिससे आपका डाटा बैकअप हो जाएगा और सिस्टम सेटिंग्स भी रीसेट हो जाएगी इस ऑप्शन के जरिए। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें, वीडियोस को शेयर करें। थैंक यू।